बहराइच की कोतवाली नानपारा पुलिस ने शेखू हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अशोक कुमार मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध संबंधों के शक पर युवक पर जानलेवा प्रहार किया गया था, जहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई थी। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि घटना के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बताते चले कि जिले की कोतवाली नानपारा क्षेत्र के राकेश टॉकीज के नज़दीक बीते 10 अक्टूबर को उस समय सनसनी फैल गई थी, जब बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जहां घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान घायल युवक की मौत हो गई थी। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अशोक कुमार ने बताया कि 10 अक्टूबर को कोतवाली नानपारा के बावरची टोला निवासी शेखू अहमद पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। दिनांक 10 अक्टूबर 2022 को राकेश टाकीज के पास में शेखू अहमद पुत्र कलीम निवासी बावरची टोला को बुरी तरह से घायल कर दिया गया था। उस समय उसमें धारा 307 IPC का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय बहराइच द्वारा तत्परता से घटना का अनावरण करने के लिए टीमें लगा दी गई थी। पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं मौके पर आकर के शांति व्यवस्था और खुलासे के लिए सभी लोगों को निर्देशित किया गया था। उसी समय से टीमें इसके अनावरण के लिए लगी थी। कल लखनऊ में उपचार के दौरान शेखू की मौत हो गई। इस बीच विवेचना के दौरान लगातार पता रसी सुराग रसी करके प्रभारी निरीक्षक नानपारा और जो पूर्व से टीमें लगी हुई थी उनके द्वारा दो व्यक्तियों को आज गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तार व्यक्ति नौसाद उर्फ सालू और गुलफाम उर्फ छोटू, जो कि ये बावरची टोला के ही रहने वाले हैं। नौसाद उर्फ सालू के पास से जो आला कत्ल बुग्दा था वो भी बरामद कर लिया गया है। जानकारी और अब तक साक्ष्य के आधार पर अवैध संबंधों के शक में इसके द्वारा उपरोक्त घटना को पारित किया जाना पाया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्तों को अभी रिमांड के लिए जेल रवाना किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था है और इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई कठित है। शीघ्र इसकी घटना का सफल निस्तारण करके इनके विरुद्ध और भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करी जाएगी, ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति इलाके में न हो और शांति व्यवस्था बनी रहे।